मेरी बोट जो है ना मुझे वापस मिल गई। सबसे पहले ना मैं एक विलेज जो है चेक कर आना चाहता हूँ कि उस विलेज के अंदर मेरे को क्या क्या लूट मिलने वाली है, क्योंकि ये जो जगह है ना ये बाकी जगहों से थोड़ी बहुत अलग है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सामान मेरे को नया देखने को मिल सकता है। तो चलो गाइस यार अभी फटाफट से मैं भागते भागते इस वाले विलेज में तो आ चुका हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला जो विलेज है ना मैं ऑलरेडी इसको लूट चुका हूँ। मतलब यार देखो देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पर मैं पहले आ चुका हूँ। एक बार ना थोड़ा सा आगे चलकर देख लेता हूँ, क्या पता कि ये अलग विलेज जो देखने में ही वैसा हो। तो भाई देखो ये जो विलेज है ना ये पूरा का पूरा डेड विलेज है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी इंसान थे उनको कोई ज़ॉम्बीज यहाँ पर खाकर जा चुके हैं। तो गाइस यार देखो ये तो वही वाला पुराना विलेज है जिसको मैं एक बार और भी पहले चेक कर चुका हूँ। यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, इधर ना ये बोट रखता हूँ और इसको चला कर देखता हूँ। ओ भाई साहब ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई सुपर कार चल रही हो। भाई साहब ये तो कितनी ज्यादा स्पीड में चल रही है, मतलब कि यार आप लोग खुद देखो इतनी तेज तो ये बोट पानी में नहीं चलती जितनी यहाँ पर स्लाइडी आइस पर चल रही है। और यहाँ पर मेरी बोट, अच्छा हुआ कि मैंने डूबने से पहले से कलेक्ट कर लिया। मतलब कि यार अब से ना मैं बोट को थोड़ा सा संभाल के तोड़ूंगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो डूब जाए और फिर भैया मेरे को दूसरी बनानी पड़े। वैसे मेरे पास वुड तो आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं दूसरी भी बना लूंगा। और आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कितनी ज्यादा तेज ये चल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सुपर कार चला रहा हूँ। ये देखो अभी तुम लोग स्पीड देखना है इसकी, 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। ये देखो भाई क्या स्पीड है इसकी। और यहाँ पर ओ शिट, मैंने ना गलती से स्पेस बार दबा दिया, मतलब कि थोड़ी बहुत ना GTA वाली आदत है ड्रिफ्ट मारने की, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट माइनक्राफ्ट में नहीं लगती भाई, यहाँ पर बस आगे पीछे दाएं बाएं काम करता है। तो अपनी जो बोट है पीछे नहीं, यहाँ पर एक से आराम आराम से करता हूँ। तो गाइस यार देखो यहाँ पर ना ये चल तो बहुत ज्यादा फास्ट रही है, बट यार इसको चलाने में ना उतना मजा नहीं आ रहा क्योंकि ये पूरी की पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है। तो यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, ऊपर की तरफ में ना कुछ व्हाइट ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ पर ना क्या मैं इसको कलेक्ट कर सकता हूँ? ओ भाई साहब ये सारी की सारी आइस हैं। शिट यार इसको हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते, बस यार ये ना देखने में ही बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। अब यार देखो इस जगह पर ना मुझे खास कुछ नया देखने को नहीं मिला, बट यार ये बात है कि मुझे यहाँ पर ना कुछ अलग अलग से एनिमल्स देखने को मिले, जैसे पोलर बियर हो गया, रैबिट हो गया। तो यहाँ पर अभी पीछे मेरे को एक पोलर बियर और मिला था, तो उसको जल्दी से मैं अपनी बोट में बैठाता हूँ और सीधा निकल लेते हम लोग उसको लेकर अपने घर के लिए। अब यार लेकिन मैं उसको अपने घर पर ले जाकर क्या करूँगा, क्योंकि यार वो जो भी जानवर है सर्दियों में रहना पसंद करते हैं। तो एक काम करेंगे ना, उसके लिए मैं अपने घर पर एकदम एसी वाला रूम बनाऊंगा, मतलब कि उसके अंदर बर्फ भर दूंगा ताकि वो आराम से हमारे घर में रह पाए। तो ये देखो ये रहा पोलर बियर, तो पोलर बियर भाई साहब इसके अंदर बैठ जाओ जल्दी से, ड्रामे मत करो वरना मेरे को और भी तरीके आते हैं बैठाने के, नहीं बैठेगा। तो देखो गाइस यार अभी ना यहाँ पर इस प्यारे से पोलर बियर को मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी से इस बोट के अंदर बैठ जा, नाइट हो जाएगी तो मैं तेरे को अपने घर पर नहीं ले जा पाऊंगा, ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। लेकिन ये भाई साहब जी मेरी बात नहीं मान रहे, तो अभी मेरे को चढ़ गया बहुत ज्यादा गुस्सा, तो तू इधर आ, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। मतलब मैं इसको आराम से प्यार से बैठाने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये भाई साहब बोट में बैठने को राजी नहीं है। अब मैं इसको घसीट के ले जाऊंगा अपनी बोट में बैठाने के लिए, और सामने की तरफ में देखो लामा घूम रहा है। भाई साहब यहाँ पर लामा भी बहुत सारे हैं, मुझे पहले ना पता नहीं था कि लामा कहाँ से मिलते हैं, अभी तक मेरे को जितने भी लामा मिले हैं ना वो सारे के सारे उसी ट्रेडर के पास मिले थे। तो अभी मैं अपनी बोट यहाँ पर रख देता हूँ, तो चल भाई जल्दी से बैठ जा अभी बोट के अंदर, अभी मेरे को कोई ड्रामे नहीं सुनने, तो प्लीज भाई जल्दी से बैठ जा बोट के अंदर, मेरे पे इतना टाइम नहीं है। इसकी भैंस की डांग यहाँ पर इसको पानी में फेंक दूंगा मैं, अब जल्दी से बैठ इस बोट के अंदर, ड्रामे मत करियो। चलो भाई फाइनली यहाँ पर ये बोट के अंदर बैठ चुका है, लेकिन गाइस यार अभी ना एक गड़बड़ हो गई है, अगर मैं इस बोट के अंदर बैठूंगा ना तो शायद से मेरे को मारेगा। एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मतलब मैं 100% श्योर तो नहीं, और ये मेरे को मार रहा है, तो तू अगर मेरे को मारेगा ना तो तेरे यहाँ कोई काम नहीं निकल। ओ भाई इसके अंदर तो बहुत पावर है, मेरी डायमंड सॉर्ड की बेइज्जती कराता है। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने इसको मार दिया। इस तरफ में ना एक पोलर बियर और था, मतलब कि अगर मुझे पोलर बियर को अपनी बोट के अंदर बैठाना है तो उसको मारना नहीं है, वरना भाई फिर वो लोग मेरे को वापसी उल्टा मारेंगे और पूरे रास्ते मेरे को पीटते पीटते ले जाएंगे, तो वो चीज मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। एकदम आराम से इस बारी प्यार से लेकर जाने वाला हूं मैं। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे एक पोलर बियर और नजर आया, तो जल्दी से ना इस पोलर बियर के ऊपर मैं लेट डालता हूँ और यहाँ पर इसको खींचना शुरू कर देता हूँ अपने पीछे पीछे। चल मैं जल्दी से आ जा, और यहाँ पर अभी मेरी हेल्थ भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो चलो गाइस यार सबसे पहले ना मैं खाना खाकर अपना पेट जो है थोड़ा बहुत भर लेता हूँ, मतलब कि अगर पेट नहीं भरा होगा ना तो फिर हमारी हेल्थ भी नहीं बढ़ेगी, और अभी जो है ना मेरी इससे फाइट कर करके ना हेल्थ भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो देख ले भाई पोलर बियर, इस बार मैं आराम से बोल रहा हूँ, मेरी ना बोट के अंदर चुपचाप से बैठ जाइयो, मुझे कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए, जा बोट में बैठ चुपचाप से, जल्दी से मेरे पीछे। और ये कहां पर जा रहा है, ये फिर से अपनी चला रहा है, इधर आ जा भाई प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मारूंगा बहुत बुरे वाला। भाई ये एक नहीं सुनते भाई, कभी नहीं सुनते। यहां पर भी फटाफट से ना इसको पीछे खींच के लाता हूं, और इस बार ना मैं इसको अपनी बोट के अंदर 100% बैठा के मानूंगा। तो जल्दी से मेरी बोट के अंदर बैठ जा, जल्दी जल्दी ड्रामे मत कर, फटाफट से मेरी बोट के अंदर जाके बैठ। तो यहां पर ओ भाई फाइनली यहां पर मैंने इसको चुपचाप से अपनी बोट के अंदर बैठा लिया है, और अभी ना मैं भी बैठ जाता हूं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये देखो गाइस फाइनली अभी हम दोनों अपनी बोट के अंदर बैठ चुके हैं, तो जल्दी से ना यहां पर इस पोलर बियर को लेकर मैं अपने घर पर निकल लेता हूं। मतलब कि यार आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो किस तरीके से हमने पोलर बियर को यहां पर किडनैप कर लिया भाई, बहुत ही बुरी तरह। तो अभी ना जल्दी से मैं निकल लेता हूं अपने घर की तरफ, और यहां पर ना मेरे को अभी पूरा का पूरा कंपास का यूज करना है, क्योंकि यार देखो इस गेम में मैप तो होता नहीं है, तो हमें कंपास का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने ना इसे जल्दी से मतलब क्राफ्ट कर लिया था। अगर मैं बाहर जब भी निकलता
निकलता हूँ ना तो मैं अपने घर का रास्ता पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ। तो ये कंपास या ऐसी चीज़ है मेरे को जो हमेशा मेरे घर का रास्ता बता देती है। तो भी ना जल्दी से यहाँ पर मैं नॉर्मली पूरी की पूरी ना बर्फ तोड़ते हुए यहाँ पर रास्ता बना के आगे चलता हूँ अपने घर के लिए। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल पीछे की तरफ में मैंने पूरा का पूरा रास्ता बना लिया है और अभी ना मेरे को एकदम सीधी डायरेक्शन में जाना है यानी कि नॉर्थ की तरफ जाना है और मेरा जो घर है वो आ जाएगा। अब यार देखो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो कुछ इस साइड पर पड़ेगी तो यानी कि मेरे को कुछ इस तरफ में पूरा का पूरा रोटेट हो जाना है और अब ना मेरे को एकदम सीधा जाना है और सामने की तरफ में मेरे को एक विलेज और नजर आ रहा है और अगर मेरे पास लूट की कमी पड़ेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये वाला विलेज भी लूट लेंगे। वैसे यार देखो लूटने लायक ना कुछ बचा नहीं है क्योंकि इस टाइम जो मेरा बैग है ना वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा भर चुका है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको मैं फेंक दूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि काम की नहीं है बट यार मैक्सिमम चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अभी ना यार कोई भी विलेज वगैरह नहीं लूटूंगा, अभी जल्दी से हम लोग चल लेते हैं सीधा घर की तरफ। और यार आप लोग ना मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये जो बर्फीले वाले आइलैंड होते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या न्यू खास देखने को मिलता है जो कि मैंने एक्सप्लोर नहीं करा। अब यार देखो सबसे पहले मैं सोच रहा था कि रैबिट को घर पर लेकर चलेंगे लेकिन यार रैबिट ना एक नॉर्मल चीज़ होगी, पोलर बियर थोड़ी सी बढ़िया चीज़ है इसलिए अभी ना मैं पोलर बियर को अपने घर पर लेकर जा रहा हूँ। देखो यार कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, दोनों एकदम ऐसे लग रहे जैसे सगे भाई हो। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पर रात हो चुकी है और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है और यार यहाँ पर ना मुझे डर लग रहा है इन ज़ोंबीज़ से कि कहीं ये ज़ोंबीज़ आकर मुझे मार ना दे। और अभी फिलहाल मैं अपने पोलर बियर को लेकर फाइनली अपने घर तक पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर ना जल्दी से मुझे ना इस वाले पहाड़ पर मतलब कि इस छोटी सी जगह पर मेरे को उसे ऊपर खींचना पड़ेगा। और मुझे पता था कि फैंटम आज आने वाले हैं, मतलब कि ना मैं काफ़ी दिनों से ना सोया नहीं हूँ इसलिए मेरे से आकर इतने पंगे ले रहे हैं और अब ना ये लोग मेरे को मारते रहेंगे जब तक मैं सोऊंगा नहीं। तो यहाँ पर ना मेरे को पहले या तो इन्हें मारना पड़ेगा या फिर बन चाहे इनसे पिटते रहना पड़ेगा। भाई भाई भागो भागो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, पोलर बियर भाड़ में जाए और अगर इन्होंने मार दिया ना फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो भी जल्दी से मैं अपने घर के अंदर चल लेता हूं, भाई कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी प्लीज 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 एक बार ही मुझे कोई घर मिल जाए वरना अगर यहां पर फैंटम आ गए ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर ना सामने की तरफ में जो भाई नहीं यार अभी मेरे को जल्दी से अपने घर में जाना है, एक वही जगह है जहां पर मैं इनसे बच सकता हूं। ये आ गया, बच गया भाई मैं, अगर ये मेरे पे अटैक कर देता ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती। तो भी जल्दी से मैं नीचे चलता हूं और यार अभी ना मुझे मालूम नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो मैं सो के उठूं और पोलर बियर गायब हो जाए तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो भी जल्दी से फिलहाल यहां पर मैं सो तो गया हूं अच्छा खासा यार, मैं पोलर बियर को लेकर अपने घर पर पहुंच गया था और यार यहां पर ना मेरी हेल्थ भी बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी है। तो मेरे पास कुछ ना फिश पड़ी है, जल्दी से सारी की सारी फिश मैं खाकर अपना पेट भर लेता हूं सबसे पहले। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल जल्दी से यहां पर मैंने फिश ही फिश यानी कि खाना खाकर अपना पेट भर लिया और मेरी हेल्थ जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी वापस से। और यार नेक्स्ट डे ना मैं बहुत ज्यादा तगड़ा बदला लेने वाला हूं इन फैंटम से, मेरी हाफ एचपी बची थी, इन्होंने इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से मेरे को मारा था। तो भी जल्दी से मैं आगे चलता हूं और फाइनली मेरा जो पोलर बियर है वो अभी भी यहीं पर बैठा हुआ है। तो देखो यार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब यार देखो मुझे ना मालूम नहीं है इसको क्या खिलाना होता है लेकिन जो मैं खा रहा हूं वो चीज तो खाने नहीं वाला, तो एक काम करता हूं इसको ना पहले खींचो। तो इधर आ जल्दी से तेरी ऐसी की तैसी, यहां पर ना फटाफट यहां पर जो कॉबल स्टोन है ना उसको मैं यहां पर रखता हूं और ये खुद ही यहां पर ऊपर चढ़ रहा है। आ जा, अबे भाई ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब जो विलेजर थे ना वो लोग खुद से नहीं चढ़ते ऊपर, उनको खींचना पड़ता है लेकिन यहां पर पोलर बियर बहुत ज्यादा समझदार है, इसको बस खींचते जाओ ये अपने आप ही जंप करता हुआ आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये ना इस जगह पर भी टाप जाएगा क्योंकि ये बड़े बड़े पहाड़ भी चढ़ जाता है। तो भी ना जल्दी से यहाँ पर मैं इसको लेकर चलता हूँ अपने घर के अंदर और देखते हैं ये घर के अंदर। देख लो भाई फाइनली यहाँ पर हमारे घर के अंदर एक नया गेस्ट आ चुका है, जल्दी चल बे अंदर, क्या ड्रामे कर रहा है। अब यार आप लोग ना मेरे को एक बार कमेंट में बता देना कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ और सिर्फ बर्फीली जगहों पर ही जिंदा रह पाता हो और अगर मैं अपने घर पर ले आऊँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। तो मैंने इसके लिए एकदम बर्फ वाला रूम बनाने वाला हूँ जिस रूम के अंदर एकदम परमानेंट बर्फ रहेगी ही रहेगी ताकि इसको बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। तो भी ना जल्दी से मैं इसको अपने कमरे में क्यों लेकर जा रहा हूं मुझे नहीं मालूम। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल फाइनली मैं पोलर बियर को अपने घर के अंदर लेकर आ चुका हूं तो इसको ना मैं यहीं पर छोड़ देता हूं और मेरे को मारेगा तो नहीं ना। तो चलो भाई फिलहाल यहां पर ये बहुत ज्यादा छोटी जगह है इसके लिए लेकिन एक दिन के लिए इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। अब यार देखो मेरे को ना एक चीज और बनानी है यहां पर ना गाइस, मेरे को बटन्स बनाने हैं, एक बेड बनाना है विलेजर के लिए। अब यार देखो विलेजर को ना बेड वगैरह भी देना है तभी वो हमारे लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को बेड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो मुझे देखना पड़ेगा फटाफट से, यहां पर मैं नॉर्मली सर्च करता हूं बेड। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो एक बेड बनाने के लिए ना मुझे व्हाइट वूल चाहिए होगा और व्हाइट वूल बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं स्ट्रिंग्स यानी कि मकड़ी के जाले। तो यहां पर मेरे पास ना थोड़े बहुत तो पड़े होंगे, ये देखो यहां पर मेरे पास सिर्फ चार ही पीस हैं तो यार इनसे तो मेरे हिसाब से काम नहीं हो पाएगा। और यार मेरे पास ना वैसे व्हाइट कारपेट बहुत सारा पड़ा है जो कि मैंने शायद इसी स्ट्रिंग से ही बनाया था, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, मैं थोड़ा सा ना भूल चुका हूं। तो यहां पर ना एक काम करता हूं, ट्राई कर देखता हूं कि इससे जो है ब्लॉक बन सकता है या फिर नहीं बन सकता वूल का। तो यहां पर देखो एक ब्लॉक तो बन जाएगा लेकिन यार अभी ना एक से कोई काम नहीं होने वाला, हमें तीन बनाने हैं। तो भी तीन बना, ओ भाई
सब मेरे पास तो इतना सारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है भाई, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ। तो जल्दी से ना अभी यहाँ पर मेरे को बेड बनाने के लिए थोड़ी सी वुड भी चाहिए होगी, और यहाँ पर वुड वुड वुड, यहाँ पर ना एक लॉग पड़ा हुआ है यार, वुड नहीं है शिट। तो गाइस यार देखो यहाँ पर ना लॉग तो पड़ा हुआ है, मेरे को थोड़ी सी ना वुड और चाहिए होगी। अगर वुड यहाँ पर नहीं मिलेगी तो मैं कोई पेड़ काट कर ले आऊंगा, वैसे मेरे पास वुड होनी तो चाहिए, लेकिन यार आज ना किस्मत ही बहुत ज्यादा खराब है, तो मुझे ना कोई पेड़ काट कर आना पड़ेगा वुड इकट्ठी करने के लिए। मतलब यार देखो ये दिन आ गया कि हमारे पास वुड प्लैंक्स ही नहीं है, तो ये क्या हो गया भाई, मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा। तो भी ना जल्दी से मैं यहाँ से सीधा बाहर निकलता हूँ, और ये राइट साइड में ज़ॉम्बीज मेरे घर के अंदर कहाँ गए, तेरी ऐसी कि तैसी, इतना तगड़ा हेडशॉट मारो ना ले भाई साहब, यहाँ पर दिन हो रखा है लेकिन इस ज़ॉम्बी को कोई असर नहीं हो रहा। और यहाँ पर ये गोलम क्या कर रहा है, ओ भाई एक सेकंड, ये नीचे कैसे आ गया भाई, किससे पूछ के नीचे आया, अगर तू मेरे पे अटैक करेगा ये गोलम तेरे को मार देंगे। रुक जाओ मैं तेरे को तेरा ठिकाना बताता हूँ, तेरे को रहना कहाँ पर है। तो गाइस यार मेरे को लग रहा है ना ये पोलर बियर मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, मतलब यार घर में एकदम खुला घूम रहा है, मतलब कि जैसे इसको आज़ादी मिल रखी हो, अभी चुपचाप से सिर्फ इस एरिया में रही हो, यहाँ से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है मैं गेट दोनों बंद कर रहा हूँ। भाई साहब यहाँ पर पता नहीं कहाँ घूम रहा था वो, मैं खुद उसको हैरान हो गया बाहर देख के। तो भी फटाफट से ना मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, और यहाँ पर ना थोड़े बहुत वुडन ब्लॉक्स मैंने लगाए थे, लेकिन यार अभी ये सारे के सारे यूज़ हो चुके हैं, तो मुझे ना सामने वाले पेड़ काट कर थोड़ी बहुत वुड इकट्ठी करके लानी है, उसके बाद मैं एक बेड बनाऊंगा, और उसके बाद मुझे ना कुछ बटन्स बनाने हैं जिससे कि जो मेरी रेल है ना वो ऑटोमेटिकली सामान लेकर भी आएगी और सामान देकर भी आएगी, हमें धक्का नहीं लगाना पड़ेगा आपकी। तो गाइस यार देखो मैं पता है पहले क्या सोचता था कि अगर मेरे पास एक बार डायमंड वगैरह का सामान आ जाएगा ना तो मुझे वुड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यार वुड एक ऐसी चीज़ है अगर हमें कुछ भी नया क्राफ्ट करना है तो यार कहीं ना कहीं छोटी सी चीज़ में इसकी जरूरत पड़ी जाती है। तो अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने काफी सारा वुड तो कलेक्ट कर लिया है, सामने से ना थोड़ा सा और कलेक्ट कर लेते हैं ताकि अगर कल को बाद में भी जरूरत पड़े तो भी हमें कोई दिक्कत ना हो। तो भी फटाफट यहाँ पर बहुत सारा वुड मैं कलेक्ट करते हुए चल लेता हूँ। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने यहाँ पर वुड तो बहुत सारी काट ली थी लेकिन कलेक्ट एक भी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे बैकपैक में जगह ही नहीं थी। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है और यहाँ पर बहुत सारी वुड भी मैंने कलेक्ट कर ली। तो अभी फटाफट वापस चलते हैं अपने घर के लिए, और सामने की तरफ में अपना घर यार कितना ज्यादा बढ़िया नहीं लगता देखने में, आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो चलो गाइस यार ये जो काम है ना मैं सोच रहा हूँ बाद में किया जाए, मतलब ये एक नॉर्मल काम है किसी भी टाइम पर हो सकता है, लेकिन यार जो घर के बाहर का काम है ना वो रात में करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, तो वो काम ना मैं पहले कर लेता हूँ। तो सच्ची में यार ये इतना ज्यादा उधम मचा रहा है ना मेरे घर में आके, क्या ही बोलूँ। तो अभी फटाफट मैं अंदर चलता हूँ, और यहाँ पर भी मेरे को जितनी भी वुड मिली है उस वुड को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ प्लैंक्स में, फिर उसके बाद यहाँ पर ना मैं कुछ बटन्स बनाऊंगा, और उन बटन से मेरी जो ट्रेन है मतलब जो मेरी माइन कार्ट है वो काम करने वाली है, मतलब मैं एक बटन दबाऊंगा मेरी माइन कार्ट ऑटोमेटिकली जो है सामान लेकर भी आएगी और देकर भी आएगी। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने बहुत सारे वुड प्लैंक्स बना लिए हैं, और यहाँ पर जल्दी से ना मैं एक बेड भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, सिंपल एक बेड बना लेते हैं। और ये जो बेड है ना मैंने ये बनाया विलेजर्स के लिए। अब यार देखो जितना भी सामान मेरे को मिला था ना इस सभी सामान को मुझे स्टोर भी करवाना पड़ेगा, मुझे इसका ना भी ज़्यादा यूज़ पता नहीं है। तो एक काम करता हूँ, जो जो चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ रही है उसको मैं नीचे वाले फ्लोर पर रख कर आ जाता हूँ, इस जगह पर, यहाँ पर रखेंगे नहीं भाई, यहाँ पर तो बहुत सारा कॉबल स्टोन है तो इसके अंदर कॉबल स्टोन डाल देते हैं, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ अपना थोड़ा सा गोल्ड, और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत डायमंड यहाँ पर रखा हुआ है, तो इधर पोटैटो रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस वाली चेस्ट के अंदर देख पा रहे हो, मेरे पास जितना भी सामान ऐसा था ना जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था वो मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया है, और बाकी TNT भी इसके अंदर संभाल के रख देता, अभी फिलहाल इसका यूज़ नहीं है। और यहाँ पर जितनी भी अभी फालतू की चीज़ें उसको भी मैं इसके अंदर रख देता हूँ। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर ना मेरे पास काफ़ी सारी एन्चेंटमेंट बुक पड़ी हुई है, और इधर है आयरन डोर, इधर है जंगल डोर, जंगल डोर ले लेता हूँ, इसका मैं अपने घर में भी यूज़ करूँगा। और यार आप लोग ना मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना कि मुझे एडवेंचर करना चाहिए या फिर नहीं, मतलब कि नई नई जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए जैसे कि मैंने अभी पिछले 2 दिन करी, मतलब मजा ही आ गया, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी यूनिक आइटम्स भी मिली है। तो भी फटाफट ना यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 बटन क्राफ्ट करता हूँ, फिलहाल मेरे पास हो सकता है बटन भी पड़े हो तो मुझे ज़्यादा नहीं बनाने, सिर्फ 2 पीस बनाने हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 बटन भी जो है क्राफ्ट कर लिए हैं। और यार ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ क्या था यार मुझे अभी तक पता नहीं चला है। तो गाइस यार देखो घर से बाहर निकलने से पहले ना मैं कुछ थोड़ा सा फूड अपने साथ ले लेता हूँ, मतलब कुछ पता नहीं है कब रात हो जाए और कब ज़ॉम्बीज आ जाएं। तो यहाँ पर ना इसके अंदर मेरे पास बहुत सारा यहाँ पर फूड पड़ा हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर मैं लेकर चल लेता हूँ अपने साथ, और यहाँ पर जो बाकी पोटैटोज मैं यहाँ पर लाया था ना उसको रख देता हूँ। पोटैटो को ना मैं कुक करके खाऊंगा, शायद तब ज़्यादा हेल्थ बढ़ेगी, मतलब पोटैटो मैं इतने सारे खा लेता हूँ ना फिर भी मेरी एकदम जरा सी HP बढ़ती है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर अभी भी दिन ही हो रहा है और रात होने में मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला है, तो ना अभी जल्दी से चलकर मैं अपने रेलवे स्टेशन का सेटअप कर देता हूँ। और एक टाइम गाइस ऐसा आएगा ना कि मैं अपने रेलवे स्टेशन को इतना ज़्यादा तगड़ा बना दूंगा कि हमें कहीं पर भी दूर दूर जाना होगा ना हम लोग इस वाले रेलवे स्टेशन से जा पाएंगे। तो गाइस यार लास्ट टाइम ना यहाँ पर मैंने एक माइनकार्ट छोड़ी थी, वो यहाँ पर है कि नहीं, फिलहाल ये तो वो वाली है जिसके अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, और ये है अपनी नॉर्मल माइनकार्ट। तो अभी ना मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर ना अभी इसको छोड़ दो, मेरे को अभी बटन का सेटअप करना है। तो देखो यार बटन का सेटअप ना कुछ इस टाइप से होगा, तो मेरे को उसके लिए चाहिए होगी थोड़ी बहुत पावर रेल। अब यार देखो जो ऊपर वाली पावर रेल है ना इसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको तोड़ देता हूँ, जब बाद में जरूरत पड़ेगी तो मैं और बना लूँगा, अभी अपने पास बहुत सारी है। तो यहाँ पर इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ो, मेरे पास 2 अभी पावर रेल हो चुके हैं, तो अभी मेरे को सिर्फ 2 की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ,
करता हूँ, जो ये वाला ट्रैक है ना, इस वाले ट्रैक पर लगाऊँ, किस ट्रैक पर लगाऊँ, इधर लगा दें, ठीक है। यहाँ पर अपनी जो माइन कार्ड है ना हमेशा आकर रुकती है, और ये चली गई क्या, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये जाने वाली है भाई, बच गई। अच्छा एक बार ना मैं एक काम करता हूँ, ट्रैक क्लोज कर देता हूँ ताकि ये ना आगे ना जा पाए, और अगर ये आगे चली गई ना तो फिर ये सीधा माइन शाफ्ट पर ही जाकर हमें रुकने वाली है। तो चलो गाइस सर अभी ना जल्दी से इस जगह पर मैं एक बटन लगा देता हूँ, ठीक है, और इस जगह पर मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर सबसे पहले ना इस वाले ट्रैक को मैं तोड़ूंगा। और भाई देखो मेरी ये जो डायमंड पिकेक्स है ना भाई, ये इतनी ज्यादा पावरफुल है, मैं आपको क्या बताऊं। तो यहां पर अभी ना जल्दी से मैं इसको कुछ इस तरीके से लगा देता हूं ताकि इससे कनेक्ट हो जाए। और यहां पर भी मैं रखने वाला हूं पावर ड्रिल, जो कि मैं ऊपर से दो तोड़ के लाया हूं, तो एक इधर रखी। और यहां पर जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा ना, देखो इसके अंदर लाइट जल जाएगी, यानी कि काम करने लग जाएगी। तो अभी ना मुझे कुछ नहीं करना, जो मेरी मतलब की माइन कार्ट है ना उसको मेरे को बस इसके ऊपर लाकर रख देना, ठीक है। अभी फटाफट से मैं अपनी माइन कार्ट को धक्का कैसे मारूं, एक सेकंड रुक जाओ भाई, मेरे को इसको उस वाले ट्रैक पर ले जाना है। तो सबसे पहले ये वाला ट्रैक मैं चेंज करता हूं ताकि इधर से यूं घूम के जाए और वापस से इधर आ जाए, ठीक है। तो अभी फटाफट यहां पर ना देखो धक्के मुक्के वाला काम ना मेरे को खत्म करना पड़ेगा, और इसी चीज के लिए मैं ये चीज बना रहा हूं। तो यहां पर देखो ये वापस से इधर गई और इधर आकर रुक गई। अबे ये टूटे हुए ट्रैक पर कैसे चल रही है, वाओ। तो चलो गाइस यार देखो मुझे ना धक्के मुक्के वाला काम खत्म करना है, यहां पर मैं सारा का सारा काम एकदम बटन पे फिट कर दूंगा, मतलब कि अपनी जो माइंड कार्ड है ना वो एकदम बटन वाले सिस्टम से बहुत ही ज्यादा बढ़िया चलने वाली है। और यहां पर अगर अभी मैं इसे धक्का मारूंगा ना तो लेफ्ट वाले ट्रैक पर ऑटोमेटिकली चल जाएगी। तो अभी जल्दी से इसे मैं धक्का मार के वहां पर ले जाता हूं, और आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर पहुंच चुकी है। अभी मैं आपको बताता हूं ये जो बटन है मैंने किस लिए लगाया है। तो सबसे पहले ना मैं ट्रैक सेट कर देता हूं, तो यहां पर ये जो अपनी माइंड कार्ड है वो इधर आएगी, यूं घूमेगी और यहां पर ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं ये डायरेक्टली यहां पर चले जाए। और इसको मैंने इधर कैसे रख दिया, इसको तोड़ो अभी, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो ये जो यहां पर आएगी अपना, उसके बाद यहां पर राइट घूमेगी। अबे नहीं यार, इसको कुछ अलग तरीके से सेटअप इसका करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से राइट घूमेगी, यहाँ पर हो जाएगी। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर इस माइन कार्ड के ट्रैक का मैंने पूरा सेटअप कर दिया है, ये कुछ इस तरीके से चलते आएगी, यहाँ सीधा जाएगी, यहाँ से लेफ्ट घूमेगी, फिर यहाँ से पूरा राइट होके ऊपर चले जाएगी। तो अभी ना मेरे को कुछ नहीं करना, धक्का नहीं मारना पड़ेगा, बस यहाँ पर एक बटन दबाया और अपनी माइन कार्ड जो है ना सीधा अब चले जाएगी, माइन शाफ्ट पर ही जाकर अभी ये रुकने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से अभी कम स्पीड में जा रही है। तो यहाँ पर ना मुझे एक पावर रेल लगानी पड़ेगी, शिट यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ना फिलहाल एक बार ही ना मैं धक्का मार के निकाल देता हूँ इसको। तो गाइस अभी तो फिलहाल मैंने अपनी माइन कार्ड को धक्का मार के यहां से भेज दिया माइन शाफ्ट के लिए, लेकिन अगर मैं यहां पर एक बारी पावर ड्रिल लगा दूंगा तो वो ना इस जगह पर रुकेगी नहीं, उसके अंदर एक स्पीड आ जाएगी और भाई फिर तो वो एकदम ऐसी इतनी तेज भागेगी ना पूछो मत। तो यहां पर ना एक टेस्ट और करते हैं, यहां पर बस मेरे को ट्रैक चेंज करना है और बस इस वाली माइन कार्ड के अंदर आकर बैठ जाना है ताकि मैं भी सीधा माइन शाफ्ट के लिए निकल जाऊं। और ये वाली जो माइन कार्ड है ना ये उससे शायद थोड़ी सी हल्की होती है, तो इसको मतलब हम नॉर्मली भी चला सकते हैं लेकिन कम स्पीड में चलती है। बट जैसे ये पावर ड्रिल के कॉन्टैक्ट में आती है तो यहां पर इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा ओपी हो जाती है। तो अभी ना मैं कुछ नहीं करने वाला, जो मेरी माइंड शाफ्ट है ना जहां पर मैंने अपना एक्सपी वार्म बना रखा है वहां पर भी जाकर मैं यही वाला बटन लगाने वाला हूं, ताकि अगर मैं वहां से बटन दबाऊं तो जो मेरी माइंड कार्ट है वो सीधा मेरे घर पर आ जाए, यानी रेलवे स्टेशन पर, और अगर यहां से बटन दबाऊं तो ये सीधा मेरी माइंड कार्ट माइंड शाफ्ट पर चले जाए जहां पर मेरा एक्सपी वार्म है। तो अभी जल्दी से हम लोग भी वहां पर चल लेते हैं। फिलहाल ये जो है ना एकदम मस्त स्पीड में चल रही है, तो पहुंचने में ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी माइंड कार्ट में बैठकर सीधा पहुंचने वाला हूं अपनी माइंड शाफ्ट के अंदर, और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज्यादा मस्त स्पीड से जाती हुई नजर आ रही है। लास्ट टाइम यहां पर मैंने ट्रैक कंप्लीट नहीं करा था, मुझे याद है, देख लो, इसीलिए वो ना पटरी से उतर रखी थी। तो अभी ना फटाफट से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, और यहां पर जो मेरी माइन कार्ट है ना वो देखो सीधा नीचे चली गई, और सीधा वो वहीं पर जाकर रुकने वाली है जहां पर लास्ट टाइम मैंने अपना ट्रैक एंड करा था। तो ये देखो यहां पर ना अभी बहुत सारे ज़ॉम्बी है। अब देखो ये जो जगह है ना मैंने इसलिए बनाई है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले ना गाइस मुझे ना यहां पर एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को एक छोटी सी चीज और बनानी है। सबसे पहले ना मुझे यहां पर थोड़ी सी वुड चाहिए होगी, उसको मुझे यहां पर रखना है ताकि मैं इसके अंदर बटन लगा दूं। अब जो मेरा बटन है, बटन गेरा बटन, ठीक है, अभी मेरे को कुछ नहीं करना, बस ना यहाँ पर एक बटन लगाना है। तो देखो भाई अभी ये वाला बटन भी लग चुका है, तो यहाँ पर जितने ज़ॉम्बी है ना बस इसको मेरे को मार देना। और यार इतने कम ज़ॉम्बीज क्यों आ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, शायद से मेरे मॉब स्पॉनर को ना कहीं से लाइट मिल रही है इसलिए वो इतने कम ज़ॉम्बीज यहाँ पर भेज रहा है, पता नहीं क्या सीन है यार। आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना कि ज्यादा ज़ॉम्बीज कैसे मिलेंगे। तो भी फटाफट गैस यहाँ पर मैं बटन दबाऊंगा, तो यहाँ पर यार अपना जो प्लान है थोड़ा सा फेल हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों है, लेकिन मेरे को अभी वो चीज़ पता चल गया क्यों है। तो सबसे पहले ना मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, अभी मेरे को पूरा समझ आ गया वो क्यों हुआ है। तो मुझे ना यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको भी तोड़ना है, और इस जगह पर मुझे ये वाला जो ब्लॉक है इसको रख देना है, ठीक है, कुछ इस जगह पर। तो अभी फटाफट उसके लिए ना मेरे को ये वाला ट्रैक भी तोड़ना पड़ेगा। तो गाइस सर अभी ना यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, जो मेरा वुडन ब्लॉक है ना उसको मेरे को अपना ट्रेन को थोड़ा सा आगे धक्का मारना पड़ेगा, रुक जा बस यहीं पर, ठीक है। तो इधर मेरे को अपना वुडन ब्लॉक रखना है और यहाँ पर लगाना है मेरे को अपना बटन। तो ये ना मेरा बटन, फटाफट से अपने बटन को भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अब जैसे मैं ये वाला बटन दबाऊंगा मेरी जो माइंड कार्ट है ना बहुत ज्यादा स्पीड में वापस चले जाएगी घर। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ये देखो
को मैंने बटन दबाया और यहाँ पर अभिनश ने स्पीड पकड़ ली। लेकिन यार अभी अपने पास पावर ड्रिल की थोड़ी सी कमी और ये देखो भाई कितनी ज्यादा स्पीड में कितने ज्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ से जा चुकी है और ये भिड़ के वापस आ गई। मुझे पता है क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर ये पड़ा हुआ था, इसको पहले ना रस्ते से हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरे पास ना एक रेल ट्रैक पड़ा हुआ था। चलो भाई बहुत सही, यहाँ पर ना सिंपली एक रेल ट्रैक मैं इधर बिछा देता हूँ। तो अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैं नीचे चलता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अभी और ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। तो इन सभी ज़ॉम्बीज को यहाँ पर मैं मार देता हूँ और इनके पास से ना मेरे को बहुत सारा सामान मिलने वाला है। मतलब कि ये देखो मेरी चेस्ट के अंदर ना भी थोड़ा बहुत रॉटन फ्लैश है। फिलहाल जब ये सामान भर जाएगा ना, तो भरने के बाद बस मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर ये बटन दबाऊंगा और जो मेरी माइंड कार्ट है ये चले जाएगी सीधा घर के लिए। अभी जो आगे वाला ट्रैक था वो भी मैंने रिपेयर कर दिया है, तो सीधी सी बात है ये अपना रुकने नहीं वाली। और आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा स्पीड में मैं यहाँ से जा चुकी है। और जो मेरी इधर माइंड कार्ट थी वो मैंने कलेक्ट कर ली थी ना, हाँ देखो ये मैंने कलेक्ट कर ली थी। तो अभी फटाफट से मैं भी जो है वापस जाने वाला हूँ। और इसके अंदर ना भी मेरे पास बहुत सारा सामान है, तो इस सारा का सारा सामान ना मैं इसी वाली चेस्ट के अंदर स्टोर करवाकर वापस अपने घर के लिए भेज दूंगा। तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया सीन है। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ ओनली 400,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। अब मुझे पता है इस वीडियो में जो ऑडियो क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट आई होगी, मतलब थोड़ा एको हो रहा होगा। तो आप लोग बैकग्राउंड में देख पा रहे हो ये मेरा एक न्यू रूम है। तो अगर आप लोग भी मेरा न्यू रूम टूर देखना चाहते हो तो जल्दी से आकर कमेंट में बताओ। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और वहां पर मैं इस वाले रूम की कुछ इमेजेस भी डालने वाला हूं। तो जाओ गाइस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो मेरे से बात करने के लिए। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।